जी बिल्कुल मैं कहूँगी कि वादा तो किसी का भी नहीं था अभी तो अपनी सीटों के बारे में छानबीन हो रही थी कि वादा ऐसा आवाम के साथ अभी किसी ने नहीं, नहीं किया था दोनों जमातों में से अभी आ, पीपल्स पार्टी के साथ तो खुद भी थोड़ा सा हाथ हो गया कि ऐसी पीछे से तैयारी बेस के साथ उनकी एड जॉइंट ऐसा बॉन्ड नहीं बना था कि सीटें ले जाते तो मुस्लिम लीग की तैयारी वो वजनी थी और जैसे कि होता आया तो मुस्लिम लीग ने ज्यादा तैयारी की थी आवाम की तो भी बात हो ही नहीं रही बेसिकली अपने गढ़चोड़ सेवा से तो इसमें ना पहले तलग था ना अब है ना आइंदा होगा ना आइंदा और जिनका था उनको जेल में बंद किया हुआ मैं बताती हूँ थोड़ा अपने अंदाज से की आवाम के साथ तो ऐसा कोई जो आवाम का हमारा वसीतर मफाद है ना ये तो एक बड़ी बहुत बड़ा संगीन झूठ है अवाम के वसीतर मफाद की कहीं बात ही नहीं हो रही आज तक इन दोनों जमातों के थ्रू तो पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि मैं बता रही हूँ कि खुद भी एक धोखा हुआ कि ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं था कि उनकी सीटें आ जाती और वो अरूज तक पहुंच जाते तो वो अपने दुख में मुबतला है लेकिन जरदारी साहब का मैं जिक्र करूंगी कि माशा फेम फरासत में एक नुमाया मकाम हमारे मुल्क में एक इंटेलिजेंट तरीन किरदार वो अदा कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि अब सीटें तो मिल मिलनी नहीं है कोई वजारत सफारत नहीं मिल रही तो हम डायरेक्टली सदर की सीट का फायदा उठाते हैं और खुद चैन की बंसरी बजाते हैं अच्छा। तो सीटें मिली मुस्लिम लीग को या ले ली गई मिली तो नहीं ले ली गई और जरदारी साहब ने पार्टी अब पार्टी तो सारी मखमूम है जब पार्टी मखमूम होती है तो हो नहीं सकता कि उसका जो असल नुमाइंदा है या सदर है वो कोई सीट लेकर राजी हो जाए या मान जाए अगर वो सिंसियर होते तो वो कैसे अपने आप को एक तरफ सेपरेट करके एक अपना कह लें कि तख्तो ताराज बलाए ताक रख के कॉम के मफाद को सेट कर लेते जो कि उन्होंने वही किया जो